मैं दक्षिणी बारने से मुखिया प्रत्याशी वरुण कुमार गुप्ता चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप क्रम संख्या 4 पर है। मैं 15 साल से यहाँ सेवा करते हुए आ रहे हैं। जनता का कहना है कि एक बार आप चुनाव में आइए और हम लोगों के बीच में आना है और चुनाव लड़ना है। और जनता का कहना है जो कि हम लोग सब मिल करके आपको वोट देंगे और सब मिल करके हमको खड़ा किया है। सर, आपके पंचायत में मछली चावल का पूरा चर्चा है, आप कितने को खिला रहे हैं और पिला रहे हैं? हम सर आज तक ले मुढ़ी घुगनी भी किसी को नहीं खिलाए हैं। अपने घर से आते हैं और वो अपने घर से ही खा करके आते हैं और चले जाते हैं। जो ठग होता है सर वो मछली चावल दारू और फलाने पकड़ का प्रयोग करता है। हमने आज तक ले किसी को कुछ नहीं किया। कोरोना काल में सर आपने? कोरोना काल में इलाज को हमने फ्री किए थे और आज तक ले जो जिसके पास पैसा रहता है उसका हम इलाज करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं भी रहता है उसका भी हम इलाज करते हैं। और सेवा हमारा रात दिन जारी रहता है 24 घंटा। अगर कोई 2 बजे रात भी कॉल कर दे, यहाँ से 4 किलोमीटर गांव जाना है तो हम जाते हैं। और वहाँ उसके यहाँ आज तक ले रिकॉर्ड है कि किसी के यहाँ पैसा नहीं मांगे। जिसको मर्जी है वो ला करके यहाँ देता है। आज तक ले घर में किसी का पैसा नहीं मांगे। जीतने के बाद में प्रमुखता क्या होगी? जीतने के बाद सर महीना में 2 दिन इलाज फ्री और वो वरुण डॉक्टर नहीं, बाहर से डॉक्टर मंगा करके हम 2 दिन इलाज फ्री करवाएंगे। जैसे कान वाला है, नाक वाला है, पेट वाला है और कई कई प्रकार का इलाज हम फ्री करवाएंगे और वरुण डॉक्टर के तरफ से 2 दिन फ्री इलाज रहेगा। शिक्षा को लेकर के सोचे? शिक्षा में जहाँ तक होगा सर प्रयास करेंगे और करवाएंगे। और हमारे गांव में अभी भी शिक्षा की कमी है, हमारे पंचायत में अभी भी शिक्षा की कमी है। महिलाओं के लिए सर कुछ सोचे? महिलाओं के लिए सर कुछ तो करना ही होगा सर। जैसे आज महिला हमारा पिछड़े हुए हैं लेकिन अब जीत जाने के बाद पिछड़ने नहीं देंगे सर। कोरोना काल में हमने बहुत सा सेवा किए हैं आदमी को और लगातार सेवा करते करते हमको भी कोरोना हो गया था, क्योंकि 20 दिन हम बेड पर रहे थे और हाथ में भैन फलम लगाते हुए भी हम जनता के साथ सेवा किए थे और घर घर जाकर के सेवा करने का काम किए थे। और हमको जब खुद करना हो गया तब हम बंद कर दिए, तब मेरा भाई यहाँ काम किया। अपने जान की परवाह किए बिना? जान की परवाह तो किए ही नहीं सर, जो कि हाथ में भेंट सेट लगाए सलाइन करवाते हुए भी इलाज किए। कोरोना हमको भी हुआ था और फिर भी हम इलाज किए और जनता हमारे ऊपर अटूट होकर के पड़ा है कि हम वरुण कुमार भोक्ता को वोट देंगे टेम्पो छाप में। सब जनता का एक ही नारा, एक ही नाम है टेम्पो छाप। क्या लग रहा है सर आप इस बार चुनाव? सर एक तरफा जीतेंगे, एक तरफ सारे रहेगा और एक तरफ वरुण कुमार भोक्ता रहेगा सर। जनता का कहना है क्योंकि एक तरफ सारा रहेगा और एक तरफ आप रहिएगा। सर जीतने के बाद में जिसके पास स्कॉर्पियो है वो फॉर्चुनर लेने की तैयारी करते हैं, क्या आप उसी में शामिल रहेंगे? नहीं सर, ऐसी बात हम कभी नहीं करेंगे। हम जनता का भलाई करते आ रहे हैं, आज 15 साल से लगातार भलाई किए हैं और करते ही रहेंगे। और सर कोरोना काल में गरीबों को, मजलूमों को राशन वगैरह कुछ? राशन तो नहीं बांटे थे सर, मुफ्त इलाज किए थे सर। जिसके पास पैसा नहीं है उसका इलाज मुफ्त किए थे जी। और दवा भी कुछ दिए थे सर, जो कमजोर वर्ग का लोग था, गरीब था, उसको हमने दवा भी देने का काम किए थे और इलाज का भी पैसा उनसे नहीं लिए थे जो गरीब गरुआ था उनसे। एमएम न्यूज के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों से कहना है जी कि एक बार हमको भारी बहुमत से जिताइए, फिर हम आगे जहां तक होगा हम करके दिखाएंगे और पंचायत को चमकाएंगे।